अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसाला ओट्स खिचड़ी की हेल्दी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऐड करेंगे 1 कप ओट्स, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन ओट्स को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो इसे बटर या घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हमने यहाँ 4 हरी मिर्चियों को बारीक चॉप कर लिया था। अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काफ़ी है। और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। हम इसे सिंपल ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे रफली चॉप कर लिया था, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसे ज़रूर ऐड करें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में। और इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। इसे डालने से खिचड़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव कप पानी और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ हमने 2.5 कप पानी ऐड किया है। 1 कप ओट्स के लिए 2.5 कप पानी सफिशियंट रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, और हरा धनिया ऐड करेंगे खूब सारा। अब इसे कवर करके हम 1 उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं पानी को अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स और इसे जल्दी जल्दी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैगी मसाला में नमक होता है, इसलिए हमने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लें। आप देख सकते हैं ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ओट्स हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। और 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेवर से भरपूर मसाला ओट्स खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। भाप में ये अच्छी तरह से और पक जाएगा। सर्दियों के मौसम में इस फ्लेवर से भरपूर रेसिपी को ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।